रालोपा प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर प्रदेश में बस्सी माफियाओं को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पनपते बस्सी माफियाओं के खिलाफ वे आंदोलन का ऐलान करते हैं और जल्द ही इसकी शुरुआत करने जा रही है। उन्होंने आंदोलन के तहत 9 जून को डूंगरगढ़, 12 जून को नागौर, 14 जून को कोलायत, 17 जून को टोंक, 20 जून को भीलवाड़ा, 22 जून को नोहर और 24 जून को बाड़मेर में बड़ा आंदोलन करने और विशाल रैली निकालने का ऐलान किया। राजधानी स्थित पिंक सिटी प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत में सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भाजपा के पास चुनाव में सीएम पद का चेहरा घोषित करने के लिए कोई नेता नहीं है। उन्होंने दोनों राजनीतिक दलों पर प्रदेश की जनता और प्रदेश के खजानों को लूटने का आरोप लगाया। इधर इस दौरान बेनीवाल ने सचिन पायलट को लेकर भी अपनी बात रखी और कहा कि वे पायलट को काफी मोटिवेट कर रही हैं कि तीसरा मोर्चा बनाओ, लेकिन वे फिलहाल किसी निष्कर्ष पर नहीं है। अब ऐसे में अब आरएलपी नए राजस्थान का निर्माण करेगी और जनता की समस्याओं को दूर करने की दिशा में काम करेगी। मैं तो मोटिवेट कर ही रहा हूँ, पार्टी अलग बनाएगी, बनाए नहीं बनाए उसकी मर्जी, नहीं बनाएगा तो बता दिया ना, मैंने तो क्लियर ही बता दिया कि अगर बाहर आते हैं तो गठबंधन होगा निश्चित रूप से, जो गुर्जर समाज के साथ साथ नौजवानों के अंदर उनका भी क्रेज है और एक 11 होता है, ये सही बात है। अब मान लो एक दूसरा जुड़े ही नहीं तो क्या करें आदमी, प्रयास ही कर सकते हैं वो, पता नहीं उनको कोई आश्वासन मिला क्या हुआ, ये भी मेरी तीन चार दिन हमारा प्रयास कर लेंगे, पिछली बार भी किया था, कभी नहीं होगा ना, ना 23 में नहीं होगा, पता दिया ना, तभी 24 का पता नहीं जिंदा रहेंगे नहीं, तभी की बात करो ना, अभी तो हमने मिशन 18 के बाद मिशन 23 की बात करी, 23 लड़ाई पूरी हुई, उसके बाद देखेंगे आगे क्या होगा, 23।